कहते हैं कि जब दिल में हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यमुनानगर के गांव खेड़की ब्राह्मण के युवक कृष्ण कुमार ने करने की ठानी है। वह एक भारत एक देश भारत मिशन के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करने के लिए निकला। आज लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो अम्बाला पहुंचा, जहां उसका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। उसने कहा कि मेरा मानना है कि भारत दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपनी गौरवशाली परंपराओं व वैभवशाली इतिहास को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों को ये रास नहीं आ रहा है और वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जज्बे की कमी नहीं है, ये एक से एक लोग बैठे हैं जो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी यात्रा कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने की है और अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो हम ये झंडा लाहौर में फहरा कर आएंगे। इससे पहले भी उन्होंने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत ये तीनों यात्राएं की थी, ये भी जो पद यात्रा है अमृत महोत्सव के तहत की जा रही है। दूसरे युवाओं को भी संदेश देते उन्होंने कहा कि समय बहुत बलवान है, जब भी समय मिले तो इसका फायदा उठाना चाहिए। इस बीच उन्होंने बताया कि जब मिशन बड़ा होता है तो परेशानियां भी जरूर आती हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बड़ी परेशानी मेरे सामने नहीं आई जिसको याद रखा जाए। वहीं उन्होंने बताया कि ये सारा खर्चा वो खुद कर रहा है। मैं अभी एक पद यात्रा पर निकला हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत नारे के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की मेरी ये पद यात्रा है। 5 जनवरी को मैंने अपनी ये पद यात्रा शुरू की थी और आज 40 दिन का सफर तय करने के बाद मैं अम्बाला कैंट पहुँचा हूँ। लगभग 3000 किलोमीटर का मेरा सफ़र तय हो गया है, 600 किलोमीटर का सफ़र बचा है। आशा है कि मैं इसको 10 दिन में पूरा कर लूँगा और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मेरा मिशन है इसके तहत मैंने ये पदयात्रा शुरू की है। मेरा मानना है कि भारत दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भारत अपनी गौरवशाली परंपराओं और वैभवशाली इतिहास को लेकर के जिस तरह आगे बढ़ रहा है, जो पड़ोसी मुल्क हैं और कुछ विदेशी ताकतें हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है। ऐसे लोग भारत को अक्सर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि भारत ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं है। यहाँ जज्बे की कमी नहीं है, यहाँ एक से एक लोग बैठे हैं जो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज अभी जो मेरी ये पदयात्रा है ये श्रीनगर के लाल चौक तक है। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ये हम लाहौर में झंडा फैला कर आएंगे। यहाँ पर कुछ पुलिस के जवान हैं वो, और जो रास्ते में सैनिक जो मिलेंगे उनके साथ यदि मैं चलूँ तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लाहौर में ही झंडा फैला करके आएंगे। मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वो आँख भारत को ना दिखाए, भारत अब ऐसे लोगों को सहने वाला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल मैंने 3 रिकॉर्ड बनाए थे, एक दिन में 24 घंटे में 140 किलोमीटर पैदल चलने का रिकॉर्ड है कंटिन्यू, दूसरा रिकॉर्ड है 10 दिन में 600 किलोमीटर चलने का और तीसरा रिकॉर्ड है 16 दिन में 1094 किलोमीटर चलने का। भारत के जो अमृत महोत्सव है उसके तहत मैंने ये तीनों पदयात्राएं की थी और अब ये भी जो मेरी जो पदयात्रा है ये भी भारत के अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, उसी के तहत ये मैं अपनी पदयात्रा कर रहा हूँ। मीडिया, एक मीडियाकर्मी हूँ, लंबे समय से मीडिया में हूँ, लगभग 15-17 साल का मेरा कैरियर है मीडिया का, लेकिन इससे पहले मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ। मैंने कई मैराथन रेसेस में भाग लिया है, लेकिन जो इच्छाएँ थी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की वो मीडिया में आने के बाद उतनी पूरी नहीं हुई। अब मुझे लगा कि अब मुझे वो पूरा करना चाहिए और युवाओं को भी वो संदेश देना चाहिए कि हमें यदि मौका मिले तो वो उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि समय बहुत बलवान है और कभी कभी जब समय मिलता है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, जब मिशन बड़ा होता है तो परेशानियां आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी मेरे साथ नहीं आई जिसको याद रखा जाए कि ये परेशानी बहुत बड़ी है। दिक्कतें आती हैं, आज लगभग 10 स्टेट पार करके मैं यहाँ पर पहुँचा। ये पूरा खर्चा मैं खुद वहन कर रहा हूँ, मैंने किसी एनजीओ या किसी शासन से फिलहाल इसमें मदद नहीं ली है।